दर्द का रिश्ता होता है। यहाँ मेरी जिंदगी दुश्वारियों के जाल में फंस कर रह गई है। नहीं मेरी बहन, दुश्वारियों के इस जाल से मैं तुझे बाहर निकालूंगा। हाँ सुनील, मैं तुम्हें दिल्ली भेजना चाहता हूँ। तुम वहां रहकर बांके लाल के साथ काम करोगे, लेकिन मेरे आदमी मिला है अपनी बहन से। जी आंटी, आपने उसके साथ बात करने की इजाजत दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं क्यों तुम्हारी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो दिल से कह रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें सुरभि से मिलने के लिए कहा। लेकिन एक बात जान लो चंदन, जो कोई भी किसी के विश्वास के साथ खेलता है वो कभी सुकून से नहीं रह सकता। आंटी, मैंने आज तक कभी भी किसी के विश्वास के साथ नहीं खेला, और सुरभि बता रही थी कि इस घर में शायद आप ही हैं जो उसका सहारा बनी हुई है। उसके लिए मैं आपका बहुत एहसानमंद हूं। सुरभि जब इस घर में आई थी तो उसकी आदतें, उसके संस्कार देखकर हम सभी ने उसे अपनी पलकों पर बिठा लिया। लेकिन जब ये बात खुली कि वो मुकुंद प्रसाद के रिश्तेदार है तो सबने उसे अपनी पलकों से गिरा दिया, लेकिन मैंने उसे अपनी नजरों से नहीं गिराया। लेकिन हाँ, जिस दिन मुझे ये पता चला कि सुरभि वैसी ही है जैसी सब लोग सोचते हैं, तो वो मेरी नजरों से भी गिर जाएगी और शायद फिर कभी ना उठ पाए। नहीं आंटी, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप सच का साथ देती हैं तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी मदद की बात है, और सच का साथ देकर आप सिर्फ सुरभि की ही नहीं बल्कि हम सब का साथ दे रही हैं, जिसके लिए मैं आपका एहसानमंद हूं। अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो मैं ऐसी हालत में आया हूं, लेकिन अगली बार मैं तमाम खुशियों के साथ आऊंगा और आप लोग भी बहुत खुश होंगे। बस हमारी खुशी तो इसी में है कि हमारी माँ हमें वापस मिल जाए। मैं भी दादी माँ की ही बात कर रहा हूँ, और मैं यहाँ कोई सफाई देना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पापा कहते हैं कि जो सच कोई सुनना नहीं चाहे वो पाप होता है। इसलिए उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। इस सच पर शायद आप लोग भी यकीन नहीं करेंगे, लेकिन एक ना एक दिन आप लोगों को यकीन करना होगा जब दादी मां यहां होंगी। तब आप लोग भी हमारी सच्चाई को मानने से इंकार नहीं कर पाएंगे। किस सच्चाई की बात कर रहे हो तुम? यह हमें अपनी बातों में फंसाकर बाकेलाल चाचा का साथ देना चाहता है, हमें दिलासा देकर यह उन्हें टाइम देना चाहता है कि वो अपने नाम अपनी जमीन कर। क्या सोचकर इस घर में कदम रखा था तुमने? क्या सोचकर रखा था तुमने? वैभव, छोड़ो इसे, छोड़ो। तो मुझे थप्पड़ भी मार लेते ना वैभव, तो भी मैं तुमसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि तुम मेरी बहन के पति, और मुझे मालूम कि आज हम लोग तुम्हारी नजरों में गलत बने हुए हैं, लेकिन कल और आज में बहुत फर्क होता है वैभव, और इसीलिए
मैं तुमसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि कभी भी दौलत की लालच में रिश्तों को मत तोड़ना, क्योंकि दौलत से रिश्ते और खुशियां नहीं मिलती। और अगर दौलत से खुशियां हासिल भी की जाए तो वो टूट जाती है, और ये अपने आप में बहुत बदनसीबी वाली बात होती है। उस जमीन को लेकर मेरी बहन के साथ कोई गलत बर्ताव मत करना, क्योंकि हो सकता है कि वो जमीन कल मैं तुम्हें वापस लौटा दूं, लेकिन तुम शायद मेरी बहन के आंसुओं को ना लौटा पाओ। इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि खुद अपने हाथों से अपनी खुशियों को मत उजाड़ो, क्योंकि ये बात हम भी मानते हैं और कल तुम भी मानोगे। इस रिश्ते को बनाने के पीछे किसी और का हाथ नहीं है, बल्कि खुद ऊपर वाले की यह मर्जी थी। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं यहां आया था इस बात का पता बाकीलाल को नहीं लगना चाहिए, सोचकर तुमने अपने भाई को यहां पर बुलाया था? क्या सोचकर कि तुम्हारा भाई हम सबके सामने हाथ जोड़ेगा और हम सब खामोश होकर बैठ जाएंगे? मैंने उन्हें नहीं बुलाया है। लेकिन यह बात तो तय है ना कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है इस घर में, एक एक बात की जानकारी है उन लोगों को। चोर की दाढ़ी में तिनका, वो अपनी हकीकत भी छुपाना चाहते, अपनी लालच भी पूरी करना चाहते और तुम्हारी खुशियों को भी बचाना चाहते, जबकि ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। अब जब तुम्हारी बात हो उनसे तो उनसे कहना या तो अपनी लालच पूरी कर ले, या अगर तुम्हारी खुशियों की परवाह है तो अपनी लालच छोड़कर हमारी दादी में अकोला कर यहाँ आ जाए। वो लोग मेरी खुशियों के लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। और जिस तरह मैं अंदाजा नहीं लगा पाई कि आप मेरी जिंदगी के साथ खेलने के लिए कितना गिर सकते हैं। बकवास बंद करो तुम। वैभव, इसे क्यों डांटा है? सही तो कह रही है। मुकुंद प्रसाद और चंदन, इन दोनों ने हमारे साथ धोखा किया है या नहीं, इस बात का फैसला अभी हुआ नहीं है। लेकिन तुम जो सुरभि के साथ कर रहे हो ये जरूर धोखा है। तुम दोनों से मैं सिर्फ एक ही बात कहने आई, मैं अपने घर को टूटते और बिखरते हुए देखना नहीं चाहती हूं। तुम दोनों दो नावों पर सवार हो और सुरभि एक तरफ अपने फूफा जी को बचाना चाहती है और दूसरी तरफ अपनी जिंदगी को भी संवारना चाहती है, और वैभव तुम भी बिना सच्चाई जाने हुए दो नावों पर सवार हो रहे। मैं तुम दोनों से इतना कहने आई हूं कि आगे तुम दोनों को अपनी जिंदगी खुद गुजारनी है। आज की कड़वी यादें तुम्हारे आने वाले कल को बर्बाद ना करते, इस बात का ख्याल तुम दोनों को ही रखना है। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ?
मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि आप इतनी बड़ी गलती कर कैसे सकते हैं। माँ जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है, ये तो तरस खाने वाली बात हो गई। माँ तुम्हें अपनी बहू मानती है, उन्हें ये नहीं मालूम कि मैं शिखा से बहुत प्यार करता हूँ। क्या इस प्यार का मतलब क्या है? आप तो दादी माँ को घर वापस लाने के लिए सब कर रहे हैं, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे जलाने के लिए आप शिखा के साथ प्यार का ढोंग कर रहे हैं। और कल को दादी माँ घर वापस आ जाए और ये बात भी साबित हो जाए कि मैं और मेरी फूफा जी गलत नहीं हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं आपको रोक तो नहीं सकती, लेकिन एक सलाह जरूर दे रही हूं, शिखा के साथ आप इतना आगे भी मत बढ़ जाना कि वापस आना मुश्किल हो जाए। हेलो चंदन, कहाँ हो तुम बेटा? माँ मैं दिल्ली में हूँ, बस अभी थोड़ी देर में हरिद्वार के लिए निकल रहा हूँ। चंदन बेटा, अचानक दिल्ली जाने की क्या सूझी तुम्हें? पूर्णिमा से मिलने जा रहे हो? नहीं माँ, मैं सुरभि से मिलने आया था। माँ जब उन लोगों को पता लग ही चुका है कि हम सुरभि के रिश्तेदार हैं, सुरभि मेरी बहन है, तो अब फिर चेहरा छुपा कर रहने का क्या मतलब है? और वैसे भी वो हमारे बारे में चाहे जो भी सोचे, लेकिन हम लोग तो अपने जमीर से गुनहगार नहीं है ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद जाकर सुरभि से मिलूंगा और वैभव को भी समझाऊंगा। तो क्या तुम सुरभि से मिले? हाँ माँ, मैं सुरभि से भी मिला और उसके घर वालों से भी मिलकर आ रहा हूँ। हे भगवान, बेटा ये बात अगर बाकीलाल को पता चल गई तो पता नहीं क्या करेगा वो। माँ कब तक इस बात से डरेंगे, और वैसे भी बाकीलाल अब उस घर में नहीं रहता है, वो कहीं और रहता है, और मैंने भी उन्हें समझा दिया है कि वो मेरे यहाँ आने के बारे में बाकीलाल को कुछ ना बताए। वैभव के घर वालों से तुम्हारी क्या बात हुई? तुम्हें देखकर क्या कहा उन्होंने? माँ उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह सुरभि से मिलने पहुंच जाऊंगा। वैभव और उसके घर वाले तो हमें गलत समझते ही हैं, और इसीलिए सुरभि भी सबकी नजरों में गिरी हुई। माँ उस घर में सिर्फ वैभव की माँ है, जिनके दिल में अभी भी सुरभि के लिए अपनापन और प्यार है। अच्छा किया बेटा जो तुम जाकर सुरभि से मिला है, उसे थोड़ी तो हिम्मत मिली होगी। माँ उसके घर वालों से बात करके मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा, वो मेरी बात को सुन भी रहे थे और समझ भी रहे थे। माँ सिर्फ वैभव है उस घर में जो बात को सुनना और समझना नहीं चाहता है। और हाँ माँ, सुरभि बता रही थी कि वैभव का किसी और लड़की के साथ अफेयर भी है। ये क्या कह रहे हो बेटा? हाँ माँ, सुरभि तो मुझे बताना नहीं चाहती थी, लेकिन बातों बातों में उसके मुंह से ये बात निकल गई। दरअसल माँ, वैभव जानबूझकर सुरभि को परेशान करने के लिए ये सब कर रहा है, और माँ हमें कैसे भी करके जल्दी से जल्दी दादी माँ को ढूंढना होगा।
हम तो चाहते हैं बेटा कि माँ जी जल्दी मिल जाए, पर कहाँ ढूंढे उन्हें। खैर तुम जल्दी घर आ जाओ, फिर मिलके बात करते। ठीक है माँ, मैं बस थोड़ी देर में हरिद्वार के लिए निकल रहा हूँ, घर पहुँच कर बात करता हूँ। बाय माँ। ठीक है बेटा। आप अपनी आंखों में आने वाले कल का सपना लिए बैठे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आने वाले कल को संवारने के लिए आज बिगड़ जाती है। दर्द का रिश्ता होता है। भावना जरा चंदन को फोन तो करो, पूछो तो सही वो है कहाँ इस समय। हाँ मैंने बात की थी, वो आ रहा है। दरअसल वो सुरभि से मिलने गया था, उसे सुरभि से मुलाकात भी की और उसके घर वालों से भी बात की। चंदन वैभव के घर गया था और उसने पहले बताया भी नहीं, उसे वहां जाने से पहले एक बार भी माता जी का ख्याल नहीं आया। अगर पांकेलाल को इस बात का पता चल गया तो कुछ भी कर सकता है। अरे कुछ नहीं होगा, अब क्यों परेशान होते हैं। अरे मैं तो कहती हूँ कि चंदन ने जो किया अच्छा किया, अच्छा किया कि सुरभि के घर जाके और उनके घर वालों से बात की, वरना ये लोग तो यही सोचते ना कि हम लोग लालची हैं, बुरे हैं। हाँ भावना, क्या सामने जाकर भी हम इस बात को साबित कर पाएंगे कि इस सारे मामले में हमारी कोई गलती नहीं है? क्या वो लोग हमारी बात पर यकीन करेंगे? और मैं इस बारे में अभी तक इसलिए नहीं सोच पाया क्योंकि बाकेलाल ने मुझे भी मजबूर कर रखा है कि मैं अमरनाथ जी के सामने कोई भी सफाई न दूं। तो क्या हम सुरभि को इस तरह घुट घुटते मरते हुए देखें? हाँ? अरे उसके साथ उस घर में क्या सुलूक हो रहा है आपको पता भी है? मैं जानता हूँ भावना, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे दिल में ये विश्वास तो जरूर है कि एक न एक दिन माता जी जरूर मिल जाएंगी और सारी बातें साफ हो जाएंगी। फिर अमरनाथ और उनके परिवार को ये भी पता चल जाएगा कि हमने उनके साथ कोई बेईमानी नहीं की, कोई धोखा नहीं किया। आप अपनी आंखों में आने वाले कल का सपना लिए बैठे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आने वाले कल को संवारने के लिए आज बिगड़ जाती है, पर आज अगर बिगड़ गया तो कल को संवारना भी तो मुश्किल हो जाएगा ना। बात प्यार की हो, नफरत की हो या जिंदगी संवारने की, पर कल की बुनियाद आज पड़ती है ना। सुरभि के दिल में यदि वैभव के लिए नफरत बैठ गई तो उसका कल कैसे संवारेंगे आप? नहीं भावना, तुम रो मत, तुम चिंता मत करो। सुरभि का आज भी नहीं बिगड़ेगा और उसका कल भी खराब नहीं होगा, पर तुम जरा शांत हो जाओ, रोना बंद। मैं कैसे मान लूं? अब तो मैं खुद भी परेशान हूँ कि मेरी सुरभि की जिंदगी पता नहीं किस किनारे लगेगी। आपको नहीं मालूम कि वैभव किसी और लड़की से प्यार करता है? किसी और लड़की से? मैंने आपसे कह के वैभव की कंपनी में इसीलिए फाइनेंस कराया था क्योंकि वैभव और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन घर की उलझनों की वजह से वैभव ने मुझे चुप रहने पर मजबूर कर दिया है। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? और तुमने उस वक्त भी नहीं कहा जब तुम्हें वैभव की शादी की बात पता चला और तुम भड़की थी। उस समय भी बताती तो मैं ये शादी रोक देता, ये शादी हरगिज नहीं होने देता। वो शादी नहीं है पापा, सिर्फ एक नाटक था। नाटक? क्योंकि उसकी दादी माँ सुरभि के फूफा जी के कब्जे में थी
और अपनी दादी माँ को उसके कब्जे से निकालने के लिए ही वैभव ने सुरभि से शादी की है। ये क्या कह रही हो? वैभव की दादी तो मर चुकी है। नहीं पापा, दरअसल वो मरी नहीं, वो जिंदा है। और वैभव के पापा आपका कर्ज इसीलिए नहीं चुका पाए क्योंकि वो जमीन मुकुंद प्रसाद ने अपने नाम पे कराई है, जो असल में सुरभि के फूफा जी हैं। शादी होती है तो तलाक भी होते हैं, और अब देखते हैं कौन तुमसे तुम्हारी खुशी छीन सकता है। दर्द का रिश्ता होता है। इसका मतलब बांकेलाल और मुकुंद प्रसाद दोनों मिले हुए हैं। हाँ पापा, और मुकुंद प्रसाद को मजबूर करने के लिए ही वैभव ने सुरभि से शादी की। पता नहीं, वैभव की माँ सुरभि को कुछ ज्यादा ही मानती है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात? शादी होती है तो तलाक भी होते हैं, और तुम्हारे पापा ने इतनी दौलत तो कमाई है कि तुम्हारे लिए खुशियां खरीद सके, और अब देखते हैं कौन तुमसे तुम्हारी खुशी छीन सकता है। मुझे पता नहीं पापा, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने वैभव को इस नाटक की इजाजत देके कोई गलती तो नहीं कर दी। गलती को सुधारने के बहुत सारे तरीके हैं, और ये बात तुमने बिल्कुल सही वक्त पे बताई। क्या नाम बताया? मुकुंद प्रसाद। बांकेलाल और मुकुंद प्रसाद दोनों मिले हो। और पापा, वैभव की दादी माँ उन दोनों के कब्जे में है। आजकल बांकेलाल केदारनाथ और अमरनाथ दोनों से अलग रह रहा है, और आज ही उसका फोन आया था, मुझसे मिलने की बात कर रहा था। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं इस घर के संस्कारों को मिटने नहीं दूंगी। ये क्या नाटक लगा के रखा है तुमने? माँ, ये कोई नाटक नहीं, सुरभि के साथ मेरी शादी हुई वो नाटक। तुम अपनी औकात भूल रही हो सुरभि। तुम्हारी औकात बहुत अच्छे से समझ गई कि तुम कितनी गिरी हुई हो।